हाँ जी सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आव स्टडी दे विच। सो हाजिर तुहाडे लई अपनी अज दी मैंटल अबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग दी क्लास लैके। रीजनिंग इन पंजाबी, पंजाबी दे विच आपां ने रीजनिंग दा बैच स्टार्ट कीता होएगा। सो जिहड़े बच्चे पंजाब पुलिस दी भर्ती दी तैयारी कर रहे ने उहनां दे वास्ते आपां ने इह स्पैशल बैच तैयार कीता होएगा, पंजाब पुलिस 2021। इस दे विच आपणा मैथ रीजनिंग, पंजाब जीके दीआं क्लासां चल रहीआं ने ते प्रैक्टिस सीरीज़ भी आपां ने स्टार्ट कीती हुई है मैथमैटिक्स की। उसका अजे टाइम फिक्स नहीं है, एक अद्धे दिन तक आपां ने टाइम अनाउंस कर देना हैगा। तो इस रीजनिंग का भी आपां ने एक एक्सट्रा क्लास के वजों प्रैक्टिस सीरीज़ नूं स्टार्ट करना है। तो जी आह सिलेबस वाली क्लास होंगी ये अपनी रोजाना इस तरह चलती रहेगी। सो जिहड़े विद्यार्थी अपने चैनल दे नाल इस वीडियो के जरिए पहली बार जुड़ रहे हैं तो उन्होंने बेनती है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जाके पिछलियां वीडियोज़ नूं देखण दे लई उत्थों लिंक लै सकते हैं। उतों पहली तो लैके हुण तक जिन्हें भी अपनी क्लासा हुई ने सारिया तुसीं एक बैठक दे विच देख सकते हो, एक वार दे विच सारिया वीडियो नूं देख सकते हो। तो नाल ही तुसीं ने कापियां दे विच अपने नोट्स बना के चलना हैगा। मैथ की रीजनिंग पंजाब जी के तुहानूं सारिया क्लासा उत्थे मिल जाणगियां, प्लेलिस्टां दा लिंक मिल जाएगा। सो जेकर पहली बार जुड़ रहे हो तो अपने चैनल को हुणे सबसक्राइब कर लो, तो नोटिफिकेशन का जिहड़ा बटन बने हुंदा उसनू प्रेस करना ना भुलना। तुहानू हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उत्थों अपनी मिलती रहेगी। तो नाल ही तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टैलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उत्थों जाके तुसीं ने टैलीग्राम चैनल में भी जॉइन कर लेनेगा, ठीक है जी। तो उस तो बाद देखो बढ़ते हैं अगले पेज के वल। नंबर एंड लैटर सीरीज़ का पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, सीकुएंस का अपने एक बार स्किप कर दिता गा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का हो चुका है, पैटर्न कंप्लीशन का हो चुका है। उस तो बाद अज आप नवा चैप्टर स्टार्ट कर लगे हाँ ऑर्डर एंड रैंकिंग का, ठीक है। पंजवा अपना चैप्टर है, उस तो बाद देखो दो चैप्टर तो अपने ये रह जाते हैं तो एक चैप्टर अपना सैकेंड वाला रह गया। तो इस तो बाद देखो आप सब इंस्पैक्टर का जोड़े चैप्टर इस ज़्यादा ने वह करा, तो ही अपनी प्रैक्टिस सीरीज इसकी चलती रहेगी। रीजनिंग का देखो अज अपना 13वां दिन है, इस तो पहल 12 क्लासा हो चुकिया ने। जो विद्यार्थी पहली बार जुड़ रहे हैं तो पिछलिया 12 क्लासा भी जरूर देख लैन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अज का जोड़ा आप चैप्टर स्टार्ट कर लगे हाँ वह नाम हैगा ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है। लाइन के विद्यार्थी बैठे होणगे, उहनां दे विच रैंकिंग आपां ने पता करनी होएगी। ये ठंडा हैगा अज की क्लास का पहला दिन हैगा, अज अपनी इस क्लास का बेसिक लैवल तो आप स्टार्ट करते होंने। तो देखो वधदे आं अज की क्लास के वल। सब तो पहला बेसिक देखो इस दे विच किस तरह के क्वेश्चन बनणगे, ठीक है, उसकी टाइप्स के वल आप ध्यान मारते हैं। तो पहली गल इस दे विचों देखो कोई लाइन के विद्यार्थी बैठे होणगे जिवें कि तुहानूं दस चुके हैं, ठीक है। उस दे विच खब्बे ते सज्जे दोनों पासों विद्यार्थी का आपां नूं रैंक दस्या होएगा, विद्यार्थियों की गिनती पूछ लेगा, तो या फिर रैंक पूछ लेगा एक पासों उसका, इधरों मान लो रैंक दसता इधरले पासों आपां पूछ लेगा, इधरले पासों मान लो इत्थे सारी विद्यार्थी वह बैठे होएगा, ठीक है। तो कुल आपां संख्या दसी होएगी विद्यार्थियों की, तो इधरले पासों आपां रैंक पूछ लेगा, तो या फिर इधरले पासों रैंक दस के इधरले पासों आपां पूछ लेगा कि विद्यार्थी किन्नवें नंबर पर बैठा है। तो या फिर उस तो बाद आपां दोनों पासों रैंक दस के एक विद्यार्थी का, ठीक है, दोनों पासों आपां रैंक दस के विद्यार्थियों की आपां संख्या पूछ लेगा कि संख्या हैगी। तो या फिर हाँ खब्बे तो सज्जे की दोनों पासों की संख्या दस के रैंक दस के आपां संख्या पूछ लेगा। तो उस तो बाद इन्हां दा स्थान बदलने तो बाद भी विद्यार्थी पंजवें नंबर पर बैठा छेवें नंबर पर चला गया, उस तो बाद इन्हां दा रैंक पता करना। इस तरह की गलबात होएगी इस क्लास के, इसनों पूछण दे दो तरीके होणगे। पहली गल तो खब्बे तो सज्ज्यों, ठीक है, खब्बे तो सज्ज्यों होएगा, रोते कलम के हिसाब नाल बन सकता है। उस तो बाद टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन भी पूछ सकता है। इस तरह दो तरीकों के इसनों पूछा जाएगा, ठीक है। तो सब तो पहला देखो अपन कोई लाइन इस तरह की दिती होएगी, लाइन उस दे विच दोनों पासे विद्यार्थियों बिठा दिता जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी जा सकती है, ठीक है। तो या फिर कुल विद्यार्थियों की संख्या दस के एक पासे दी, कुल विद्यार्थियों की संख्या दस के एक पासे तो रैंक दस दिता जाएगा कुल विद्यार्थियों के नाल, ठीक है। तो आपू दूजे पासे की उसका रैंक पता करना होएगा, ठीक है। तो विद्यार्थी अपना एक एक यूनिट टारगेट कर रहे हैं, विद्यार्थियों तो बिना तो हमारे वास्ते सैनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो या फिर अपन जिमें कि बिल्डिंगा भी हो सकती है एक मंजिल, ठीक है, उसका रैंक पूछा होएगा। किसी भी चीज़ के नाल डिनोट किया जा सकता है। आप इकाई के वजों एक विद्यार्थियों की आप गलबात कर रहे हैं, ठीक है। जिहड़ी टेस्ट सीरीज होएगी देखो उस दे विच आपां अलग अलग इन्हां दे नाम लैके चलांगे। तो उस तो बाद देखो आपां दो विद्यार्थियों के स्थान दस दिते जाणगे, तो सज्जों, ठीक है,
सज्ज्यों ते खब्ब्यों दस दिता जाएगा ते उन्हां दे विचकार आपां नूं पता करना होएगा कि किन्ने विद्यार्थी ने, कुल संख्या भी आपां नूं दसी जाएगी, क्योंकि फिर आपां उन्हां दे रैंक आपस दे विच कटा के इस तरह पता कर लेंगे। ठीक है, बाकी तुहानूं जदों तुसीं प्रश्न करोगे अपनी क्लास दे विच उस तरह तुहानूं पता लगता जाएगा। देखो पहले प्रश्न दे वल आपां वधदे हां कि किस तरह दे इस दे विचों प्रश्न आणगे। ठीक है, एक विद्यार्थी एक लाइन विच खब्बे पासों दसवें नंबर ते बैठेगा। ठीक है, एक लाइन दित्ती हुई हैगी, देखो आपां नूं इस तरह की, ठीक है, इस तरह की आपां नूं मान लो लाइन दित्ती हुई हैगी, ते उस दे विचों देखो खब्बा पासा ये हुंदा हैगा लैफ्ट, इधरला पासा हुंदा हैगा राइट। ठीक है, जदों तुसीं देखो मोबाइल नूं अपने मोबाइल नूं देख रहे हो तां तुहाडा जिहड़ा खब्बा पासा हैगा वह इसका भी खब्बा पासा होएगा इत्थे वाला। ठीक है, तो तुहाडा जिहड़ा सज्जा पासा हैगा वह इसका जिहड़ी आपां लाइन बनावांगे उसका उही सज्जा पासा होएगा। इस तरह तुसीं ने देखो इस नूं ध्यान दे विच रखना है, उत्थे तुसीं ने उलझना नहीं हैगा। ठीक है, तो अपने पासा जिहड़ा तुहाडा होएगा जिवें कि देखो तुसीं जिवें बैठे हो उस तरीके दे नाल ही तुसीं ने उस नूं देखना होएगा। ठीक है, उस तों बाद देखो आपां किवें पढ़ रहे सीगे इस नूं, एक विद्यार्थी एक लाइन विच खब्बे पासों दसवें नंबर ते, खब्बे पासों आ वाला इसका खब्बा पासा हो गया, देखो आपां कलर चेंज करके दिखा दिंदे तुहानूं, आ वाला इसका खब्बा पासा हो गया। ठीक है, एक पासों दसवां नंबर एक पासों बारहवां, मान लो इत्थे विद्यार्थी वह बैठा होएगा, विद्यार्थी का नाम आपां ए लिख लैंदे हांगे, विद्यार्थी का नाम मान लो ए हैगा। ठीक है, तो इधरले पासों खब्बे पासों वह विद्यार्थी हैगा दसवें नंबर पर। ठीक है, तो इधरला पासा हो गया सज्जा, सज्जे पासों देखो इन्होंने बारहवें नंबर पर कहा होया, तो इतों इधरले पासों बारहवें नंबर पर वह विद्यार्थी बैठा होएगा। ठीक है, तो इस तों बाद देखो अपने पता की करना है, उस दे विच इन्होंने कहा कि कुल विद्यार्थियों की संख्या अपने पता करनी हैगी। ठीक है, खब्बे तो सज्जे पासों दोनों पासों देखो अपन पता लग चुका है। तो देखो इतने एक चीज़ होर याद रखने वाली हैगी कि आ विद्यार्थी इतने बैठा होएगा जिहड़ा ए विद्यार्थी है। ठीक है, इधरों दसवें नंबर पर बैठा है तो इधरले पासों बारहवें नंबर पर बैठेगा। तुसीं ये चीज़ देखो तुहाडे दिमाग दे विच आ गई होनी कि आपां जिहड़ा आ विद्यार्थी इत्थे बैठा है इसनूं दोनों पासों काउंट कर रहे हैं, इधरले पासों दसवें नंबर पर जदों कहने आ मतलब कि दसवां विद्यार्थी है ना, इस तों इधरले पासे नौ विद्यार्थी ने, इधरले पासे ग्यारहवां विद्यार्थी ने, बारहवां तां उहदे सने होए ना उह विद्यार्थी नूं गिण के, जदों इधरले पासों आपां गिणती कर रहे सी उदों भी विद्यार्थी नूं मतलब कि खब्बे पासों जदों आपां गिणती कर रहे सीगे उदों भी विद्यार्थी नूं विच गिण रहे सीगे, ते जदों सज्जे पासों गिणती कर रहे सी उदों भी विद्यार्थी नूं आपां विच गिण रहे सीगे। तां देखो किस तरह आपां पता कर सकदे हां, जिवें कि तुहानूं सीधा जेकर आपां दसीए देखो कि नौ तां ए हो गए जिहड़े विद्यार्थी इधरले पासे इस ते बैठे होए ने, नौ ए हो गए ते ग्यारह ए हो गए, जदों नौ ते ग्यारह आपां जोड़ दिंदे आ तां आपणे कोल भी आ जांदा हैगा, भी आ जांदा हैगा। देखो हुण आपां ने इधरले विद्यार्थी भी गिण ले एक बार, इधर वाले देखो आ वाले विद्यार्थी भी गिण ले ते आ वाले विद्यार्थी भी गिण ले, ते जिहड़ा आपां नूं विचाले ए दित्ता होया सीगा उह तां आपां ने नहीं गिणिया, उस नूं भी इस दे विच आपां जोड़ दांगे, एक नूं इस दे विच जोड़ दांगे, तां आपणे कोल कुल विद्यार्थी ने जिहड़े 21 निकल के आ जाणगे। ठीक है, ये तो हो गया अपना जिमें कि आपूँ समझाया उस तरीके दे नाल, पर जिहड़ा इसका असली फार्मूले का तरीका होएगा वह की होएगा, देखो आपां नूं सब तो पहला इत्थे पता लग चुका है, इधरले पासों सीगा देखो दस, दसवां स्थान सीगा देखो दसवां, तो इधरों सीगा बारहवां, तो इन्हां दोनों का जोड़ कर दो पहली गल, तो दस जोड़ बारह। ठीक है, इन्हां दा दोनों का जोड़ करके उहदे विच्चों एक घटा देना है आपां ने, देखो दस ते बारह का जदों आपां ने कीता जोड़, दस ते बारह का जोड़ कीता जदों आपां ने अपने कोल वाई आ गया, बई दे विच्चों एक घटा देने गा तां अपने कोल एक ही आंसर निकल के सामने आ चुका है, जिवें कि तुहानू देखो आपां पहला दस के हटे हां, जिवें कि देखो दसवें स्थान पर आ इत्थे विद्यार्थी जिहड़ा बैठा वह दसवें स्थान पर है जदों इधरों गिणती की आपां ने। ठीक है, इत्थे दसवें स्थान पर है मतलब कि नौ विद्यार्थी इस तों इधर बैठे ने, नौ तां आपां ने देखो आ लिख लिया इत्थे। ठीक है, आही विद्यार्थी देखो इधरले पासों जदों गिणदे आ इधरले पासों तां बारहवें स्थान पर है मतलब कि ग्यारह विद्यार्थी इस तों इधर बैठे ने, तो आपां उही ग्यारह लिख लिया सीगा, तां नौ ते ग्यारह अपने कोल भी आ गया सीगा, ते देखो इधरले पासे वाले नौ गिण ले सीगे इधरले पासे वाले, ते इधरले पासे वाले आपां ने बारह गिण ले सीगे, वह विद्यार्थी जिहड़ा ए सीगा उसनूं नहीं सी गिणिया, बाद दे विच जदों उन्हां दा दोनों का जोड़ करके वह आ जाए संख्या, तो उस तों बाद जिहड़ा वह विद्यार्थी हैगा उसनूं विच जोड़ देना, भी अपना आंसर आ गया सीगा, उस तों बाद 21 इस दे विच एक जोड़ के 21 अपना बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कि एक विद्यार्थी की देखो इस दे विच गल की हुई है, ये चीज़ का तुसीं ने ध्यान देना है कि जिहड़ा इत्थे आपां नूं पुछया होया ना इस दे विच एक विद्यार्थी की गल की जा रही हैगी, देखो इस सवाल दे विच एक विद्यार्थी की गलबात की जा रही हैगी ए दी, जेकर देखो आपां नूं कहा हुंदा गा
कि एज दी स्थान दसवें हैगा इधरों इत्थे एक विद्यार्थी आपां नूं होर दित्ता हुंदा ते उसका बारहवां स्थान सीगा मान लो इधरला इसका दसवां स्थान ते इसका बारहवां ते आपां नूं तां पता लग गया ते कुल संख्या आपां ने पता करनी है। इत्थे देखो आ जिहड़े विचाले सीगे इत्थे विद्यार्थी बैठे हुए उन्हां दा तां आपां नूं नहीं पता कि किन्ने विद्यार्थी ने इस करके आपां उह सवाल नहीं कर रहे पर जदों आपां नूं एक दी इत्थे गिणती दित्ती होवे तां आपां इस नूं सॉल्व कर सकदे आ। जदों आपां नूं दो विद्यार्थी दित्ते होण ए ते बी मान लो ठीक है विचाले दा आपां नूं कुछ नहीं पता किन्ने विद्यार्थी भी हो सकते हैं क्योंकि आपां ने गिणती पता करनी है ना दस आपां नूं इधरलियां दा दसां दा पता है तो इधरलियां बारां दा पता है इत्थे वाले विचाले दा तां आपां नूं कोई थौ पता नहीं हैगा तां इह वी आपां सवाल करांगे। पर देखो अज हुण जो तुहानूं सवाल करवाया उस दे विच इक विद्यार्थी दी गल होई सीगी ठीक है ये आपां ने इस तरह कर लेना हैगा नाल दी नाल तुसीं ने कापियां दे विच उतारदे जाणा हैगा ते जेकर अजे तक वीडियो नूं लाइक नहीं कीता तां लाइक जरूर कर दिओ ठीक है। तां उस तों बाद देखो अगला प्रश्न एक विद्यार्थी एक लाइन विच खब्बे पासों 13वें ते सज्जे पासों 27वें स्थान ते बैठा है कुल विद्यार्थियों की संख्या उस तरह पता करनी है पहलां वाले सवाल दे नाल दा सवाल हैगा बिल्कुल देखो उस तरह ए ते बी आपां नूं दित्ती होई हैगी ठीक है ते इत्थे सारी देखो इत्थे लाइन बच गई मान लो इत्थे तां इस पासों जदों आपां खब्बे पासों ए बी नहीं लिखना एल आर लिख लो लैफ्ट इधरों हो गया राइट लैफ्ट ते राइट ठीक है। उस तों बाद देखो आपां नूं गल कीती गई है इन्हां ने इत्थों लैके इत्थे तक इधरले पासों जदों देखदे आ 13वें ते इधरले पासों हैगा जिहड़ा 27वें इधरले पासों आर वाले पासों इधरों 27वें नंबर ते जिहड़ा इत्थे कोई विद्यार्थी इत्थे बैठा होएगा जदों इधरले पासों आपां ध्यान दिंदे आ इधरले पासों एल वाले पासों खब्बे पासों तां 13वें नंबर ते आ जदों इधरों राइट पासों सज्जे पासों जदों आपां ध्यान दिंदे आ तां उदों 27वें नंबर ते आएगा ठीक है। तां आपां पता किवें करांगे देखो 26 विद्यार्थी तां इधर ने ते 12 विद्यार्थी इधर ने 12 ते 26 दा आपां जोड़ करके ठीक है उस दे विच जिहड़ा आ विद्यार्थी जिहड़े दी आपां गल कर रहे हां बाद दे विच आपां उह विद्यार्थी नूं उस दे विच जोड़ देना इस तरीके दे नाल भी आपां पता कर सकदे हां ते जां फिर दूजा तरीका जो तुहानूं दस्सेगा उस तरीके दे नाल आपां ने करना हैगा इस नूं देखो किवें कीता सीगा उस दे विच आपां ने इहनां दा कीता सीगा दोनां दा जोड़ देखो आपां नूं इत्थे 27 विद्यार्थी दित्ता होया सीगा 13 जोड़ 27 एक फिर उस दे विच्चों घटा देना हैगा 13 ते 27 दा जदों आपां ने कीता जोड़ तां आपणे कोल देखो किन्ना आ जाएगा 40 आ जाएगा 40 दे विच्चों देखो आपणे आह वाला एक घटाएगा तां इसका आंसर आ जाएगा अपने कोल 39 देखो क्यों आया इत्थों आपां ने देखो एक क्यों घटाया ठीक है आह वाला एक जिहड़ा आपां घटा रहे हैंगे इन्हां दा दोनों का जोड़ करके आह एक आपां इस करके घटा रहे हाँ क्योंकि देखो जिहड़ा इत्थे विद्यार्थी दी आपां जिस दी गल कर रहे हाँ ये इत्थे विद्यार्थी है जिहड़ा उस नूं देखो आपां 13वें स्थान ते जदों आपां ने कहा मतलब कि इधरले पासों 12 विद्यार्थी इत्थे बैठे होए ने 13वां विद्यार्थी वह आप होया मतलब कि आपां उह विद्यार्थी नूं वी विच गिण रहे हाँ जदों आपां देखो इधरों सज्जे पासों गल कर रहे हैं हुण 27वें स्थान ते विद्यार्थी बैठा होया मतलब कि 26 विद्यार्थी इस तों इधर बैठे होए ने ते 27वें नंबर ते वह आप बैठा देखो दोनों पासों आपां उह विद्यार्थी नूं गिण रहे हाँ जदों आपां दोनों पासों गिण रहे हाँ तां एक विद्यार्थी दी तां संख्या वध रही है मतलब कि आपां उह विद्यार्थी नूं दोनों पासां ना गिण के उहदे विच्चों एक तां करके घटा रहे हाँ कि उह दोनों पासों गिणिया जा रहा सीगा ते उहदे विच्चों जदों एक घटाता तां उहदा एक पासों रह गया उह विद्यार्थी ठीक है। ते जां फिर आपां किस तरह करना हुंदा हैगा चलो बस ई ठीक है इस तरीक्यां दे नाल तुसीं सवाल नूं करना हैगा। तां उस तों बाद देखो अगले प्रश्न दे वल वधदे हां एक विद्यार्थी एक लाइन विच खब्बे पासों 28वें ठीक है खब्बे पासों इत्थों 28वें ते इधरले पासों 17वें स्थान ते हैगा ठीक है। ते कुल विद्यार्थियों की आपां संख्या पता करनी है पहलां वाले सवाल दे नाल दा सवाल हैगा ये ठीक है। ते तुसीं प्रैक्टिस दे लई भी इस सवाल नूं कर सकदे हो वैसे तां देखो इहनां दा आपां ने कर देना हैगा जोड़ इहनां दा कर देना हैगा जोड़ 28 जोड़ 17 ਕਟਾ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਲੈਫਟ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਲ 28 ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋੜ ਆਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ
राइट पासों 17वें स्थान पर है। ठीक है, उस तो बाद तुसीं ने इन्हां दा दोनों का करके जोड़ उहदे विच्चों एक कटा के जिहड़ा तुहाडा आंसर आएगा, फिर वह इन्ना लंबा कमेंट बना के तुसीं ने लिखना है। पर तुसीं जदों इसका सीधा आंसर लिख दिंदे हो तां उत्थे कोई नहीं पता लगता कि तुसीं किस सवाल का जवाब दे रहे हो। ठीक है, तो नाल तुसीं ने जरूर लिखना है कि तुसीं किस सवाल का जवाब दे रहे हो। ठीक है, तो यह अपना इस तरीके दे नाल सॉल्व हो गया। तो जां फिर तुसीं जिवें कि तुहानूं दस्सेगा इधरों 28वां सीगा ते इधरों 17वां सीगा अपना। ठीक है, इधर 27 विद्यार्थी बैठे हुए ने ते इधर अपने 16 विद्यार्थी बैठे हुए ने। इन्हां दा तुसीं कर दोगे दोनों का जोड़, दोनों का जोड़ करके भी तुसीं उस तरीके दे नाल जिवें तुहानूं दस्सेगा बाद दे विच एक जोड़ के पता कर सकते हो। ठीक है, उस तों बाद देखो वधदे आं अगले प्रश्न के वल। अगले प्रश्न के विच एक विद्यार्थी टॉप वाले पासों 50वें स्थान पर, देखो टॉप तो डाउन, टॉप तो डाउन की गल कर रहेगा, पहला खब्बे तो सज्जे की गल कर रहा है, जो टॉप तो डाउन की गल करेगा इस तरह लाइन लगेगी, तो उपरों देखो आप टॉप तो डाउन। वैसे अपने अपने समझण के लिए आप एक तरह बना रहे हैं, जे लाइन आप पहला वाले तरीके भी बनावेंगे तो भी अपना सवाल तो सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि पेपर के अपने डायग्राम नहीं बनाना, अपने तो चार ऑप्शन दित्तियां होणगियां, आपां नूं तां उत्थे टिक लगानी हैगी। तां देखो जिवें मर्जी इस सवाल नूं आपां सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टॉप वाले पासों जदों आपां देखांगे, देखो इत्थे मान लो विद्यार्थी बैठा होएगा टॉप वाले पासों 50 ते डाउन वाले पासों 51वें स्थान पर विद्यार्थी बैठे होएगा। ठीक है, तो इत्थों तक देखो आपां नूं इह चीज़ पता लग गई। उस तों बाद किवें आपां सॉल्व करदे सीगे इसनूं, 50 जोड़ 51 करने का अपना इत्थे आ गया 101 आ गया, उस दे विच्चों एक आपां घटाने होंने हैंगे ते जां फिर इत्थे एक घटा सकते हैं आपां ते तां भी अपना उही आंसर निकल के सामने आएगा। इसका अपना आंसर आ गया 100, क्योंकि कुल विद्यार्थियों की अपने संख्या पता करनी सी क्लास दे विच, मान लो जां लाइन दे विच कह सकते हैं 100 विद्यार्थी सीगे। ठीक है, जिहड़े विद्यार्थी दी देखो आपां गल कर रहे हैं जदों टॉप वाले पासों गिण रहे हैं तो वह 50वें नंबर ते आ रहा सीगा, जदों राइट वाले पासों डाउन वाले पासों आपां गिनती कर रहे हैं तो 51वें नंबर पर आ रहा है, दोनों पासों वह विद्यार्थी गिणा जा रहा है, तो करके उस आपने एक घटा दिता है तो वह उसका ओरिजिनल विद्यार्थियों की संख्या अपने को निकल के सामने आ जाएगी। ठीक है, उस तो बाद देखो अगला प्रश्न, एक क्लास में कुल विद्यार्थी 100 हैं ज कुल 100 विद्यार्थी हैं, देखो उस दे नालों वक्री टाइप अगली स्टार्ट हो चुकी है अपने सवाल की। तो एक क्लास के देखो 100 विद्यार्थी ने अते राम, एक मतलब कि 100 विद्यार्थी ने एक क्लास के उन्होंने एक विद्यार्थी का नाम राम हैगा, जिहड़ा कि जो आप गिनती करते हैं सज्जे वाले पासों, देखो लाइन लगा लो सज्जे के खब्बे की गल की है तो लैफ्ट आर लैफ्ट राइट वाली अपनी लाइन होएगी। ठीक है, खब्बे पासों 51वें स्थान पर बैठा है तो सज्जे पासों 51वें स्थान पर बैठा है तो खब्बे पासों अपने उसका स्थान पता करना है। देखो राइट वाले पासों अपन दस्या होएगा कि 51वें स्थान पर बैठा होएगा तो अपने ए वाला पता करना है। ठीक है, देखो जिमें आप पिछला सवाल आप सॉल्व करके आए उसे सवाल की अपने स्टेटमेंट पाई हैगी, उस दे विच देखो अपना 100 आंसर निकल के आ गया सीगा, पर इस दे विच अपने देखो 100 ही अपने इस दे विच कुल विद्यार्थियों की संख्या आप लैके चले हुए हैं इस दे विच। ठीक है, तो देखो उस तों बाद हुण किस तरह आप इस सवाल नू सॉल्व करांगे। ठीक है, तो देखो आपां नूं पता हैगा जिवें कि पहला आपने सवाल नूं सॉल्व किया सीगा कुल विद्यार्थी किन्ने ने इस दे विच 100 ने गे, 100 दे विच्चों 51 कटा दो, 100 दे विच्चों 51 कटा के अपने कोल आ गया 49 दे विच जदों आपां एक जोड़ दांगे तो इहदा अपना सही आंसर निकल के सामने आ जाएगा इस सवाल का, अपना 50 इसका सही आंसर आएगा। देखो पिछले सवाल दे विच आपने करके हटे इस चीज़ नूं कि एक पासों देखो 50वें स्थान ते सीगा इत्थे अपना 50 निकल के हुण इसका आंसर आ चुकेगा। ठीक है, पिछले विच जदों आपने टॉप तो डाउन वाले दे विच इसनूं सॉल्व किया सीगा, देखो टॉप ते डाउन दे वाले विच इत्थे आपने देखो इसनूं सॉल्व किया सीगा तो अपने कोल 50 सीगा दूजा 51 सीगा, तो जदों आपने सॉल्व किया 100 विद्यार्थी आ गए सीगे, हुण आपां नूं 100 विद्यार्थी दित्ते होए ने ते 51 भी विद्यार्थी दित्ते होए ने, 51वां स्थान दित्ता होया ते आपने 50वां स्थान इस दे विच पता कीतेगा। देखो उस सवाल नूं आपां ने ठीक है दूजे तरीके दे नाल दूजी टाइप दे विच इसनूं शामिल कीतेगा, इसका अपना इसका आंसर सही निकल के आ चुकेगा। ठीक है, देखो उस तों बाद आपां नूं देखो विद्यार्थियों की पता सीगा संख्या। ठीक है, इस तों बाद देखो इधर 49 विद्यार्थियों की पता सीगा। ठीक है, 49 विद्यार्थी इत्थों खब्बे पासे तों लैके वह विद्यार्थी की जिहदी आपां गल कर रहे हैं राम की,
राम तो इधर वाले पासे इतों सज्जे पासे तो राम के विद्यार्थी ने जिहड़े राम के नाल लगमे बैठे ने उन्हां दी विद्यार्थियों की संख्या 49 हैगी। 49 विद्यार्थी इत्थे देखो बैठे हुए ने अपने कोल आ वाला जिहड़ा 49 निकल के आया सीगा क्योंकि आपां 100 विद्यार्थियों के विचों कटाया सीगा। देखो आ 49 विद्यार्थी निकल के सामने तो आ गए अपने कोल। उस दे विच जिहड़ा आ वाला आपां ने एक जोड़ेगा इहदा मतलब है कि 49 विद्यार्थियों तो अगला विद्यार्थी आपां ने पता करना है जिहड़ा राम बैठा होएगा। आपां नूं ओह 49 विद्यार्थियों तक तां कोई मतलब नहीं हैगा, आपां ने तां राम नूं पता करना है। राम बस उही विद्यार्थी हैगा 49 दे विच इक जोड़ के अपना सही आंसर निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, उस तो बाद अगले प्रश्न के देखो एक क्लास के कुल विद्यार्थी 58 ने। ठीक है, कुल 58 विद्यार्थी ने ते राम खब्बे तो 33वें, देखो लैफ्ट ते राइट राम की गल कर रहे हैं दोबारे। ठीक है, 33वें स्थान पर बैठा होएगा इत्थे जे खब्बे वाले पासों 33वें स्थान पर राम बैठा होएगा। कुल विद्यार्थी किन्ने ने अपने कोल 58 ने। ठीक है, 58 कुल विद्यार्थी ने ते अपने देखो इत्थों वाले दी स्थान दी अपने एक तरह पता करना सीगा कि इस पासों राइट पासों किन्नवें स्थान पर बैठा होएगा वह। ठीक है, तो देखो 58 दे विचों आपां 33 कटवा देंगे, कटा देंगे 58 दे विचों 33। देखो आ 58 दिता पे इत्थों 33 आपां कटा देंगे इस दे विचों 58 दे विचों 33। 58 दे विचों जदों आपां ने 33 कटाए तो अपने कोल इसका बच जाएगा 25। ठीक है, 25 अपना इसका देखो 8 दे विचों 3 कढ़े 5 25 इसका अपना देखो आंसर 25 निकल के सामने आ चुका है। 25 विद्यार्थी देखो सज्जे पासों जो आप गिनती स्टार्ट करते हैं तो इतने 25 विद्यार्थी इस तरह बैठे हुए ने इस पासे 25 विद्यार्थी जो अपने कुल विद्यार्थियों के विचों विद्यार्थी कटाते 25 विद्यार्थी बैठे हुए ने। तो आप गल करनी है कि राम की, राम किन्नवें स्थान पर बैठा होएगा। 25 विद्यार्थियों के एक होर विद्यार्थी अपना एक नंबर होर ऐड कर देंगे तो ही अपन राम का पता लगेगा कि जिहड़ा इत्थे बैठा 25 अपन विद्यार्थियों तक। तो देखो कोई अपने विद्यार्थी तक गल नहीं कर रहे, अपन जिहड़ा इत्थों राम बैठा होएगा उसकी आप गल कर रहे हैं, तो करके उस 25 दे विच एक जोड़ना पएगा तो 26 अपना आंसर जिहड़ा निकल के सामने आ गया। वो इसका मतलब ये हैगा कि जिहड़ा राम हैगा 26वें नंबर पर बैठा होएगा। ठीक है, तो यह सी देखो अपनी अज की क्लास। ठीक है, अपने लगभग 2-3 टाइप अज की क्लास के अपने कर लिया ने, कल इस चैप्टर दियाँ अगलिया टाइप्स में लैके आवेंगे। इस दे विच्चों जो जो भी सवाल बनने इस चैप्टर दे विच्चों वो आपां करांगे। ठीक है, जिथों जिथों भी इस दे विच्च सवाल बनने आपां सारे करांगे। अज की क्लास तुहानूं किस तरह की लगी, किन्नी क ईजी लगी ते किन्नी क औखी लगी कमेंट करके जरूर दस्यो। तो जेकर तुसीं पहली बार अपने चैनल दे नाल जुड़ रहे हो तो चैनल नूं हुणे सबसक्राइब कर लो। तो पिछलियां वीडियोज़ नूं देखण दे लई तुसीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच्च चले जाणा हैगा, उत्थे तुहानूं प्लेलिस्टां दा लिंक मिल जाएगा। तो प्लेलिस्टां पुरानिया सारिया वीडियो जिन्हिया भी पहले दिन तो लैके हुण तक अपनियां होईयां ने सारिया तुसीं उत्थे जाके देख सकदे हो। तो नाल ही अपनी कापी लैके तुसीं ने उस दे विच नोट्स बनाउंदे चलना हैगा। ठीक है, तां ते तुसीं नाल दी नाल अपनी रिविजन स्टार्ट कर देनी हैगी। ठीक है, तो क्लास किस तरह की लगी कमेंट करके जरूर दस्यो। जेकर लाइक नहीं किया क्लास में तो लाइक जरूर कर देना हैगा। हुण तक वीडियो के नाल जुड़ने तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जी।